श्रद्धा कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और सिंगर हैं। वह बहुत ही सरल स्वभाव की अभिनेत्री हैं। उनके सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण है कि वह सुंदर होने के साथ साथ अभिनय करने में भी माहिर है, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वह बचपन में टॉमबॉय की तरह रहती थी। श्रद्धा बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी। वो अपने माता पिता के पोशाक को पहनकर आईने के सामने अभिनय का प्रयास किया करती थी और संवाद को बोलने के साथ ही डांस भी किया करती थी। श्रद्धा कपूर की स्कूली शिक्षा 15 साल तक मुंबई के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल में हुई थी और इसके बाद वो मुंबई से अमेरिकन स्कूल में चली गई, जहां पर उनके स्कूल के फ्रेंड अभिनेत्री अथिया शेट्टी और अभिनेता टाइगर श्रॉफ थे। अथिया शेट्टी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए इंटरव्यू में बताया था कि वे सभी डांस कॉम्पिटिशन्स में वहां भाग लेते थे। श्रद्धा कपूर अब पढ़ाई करने के दौरान फुटबॉल और हैंडबॉल भी खेलती थी। आगे की पढ़ाई के लिए बॉस्टन चली गई, जहां पर उन्होंने साइकोलॉजी में अपना एडमिशन कराया, लेकिन फिल्मों के प्रस्ताव मिलने की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। श्रद्धा कपूर को सिंगिंग का भी शौक है, इसलिए उन्होंने लता मंगेशकर के चचेरे भाई से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। श्रद्धा कपूर के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके भाई भी हैं। उनका परिवार एक मिश्रित जाति का है, क्योंकि उनकी माता मराठी हैं और वो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका हैं और उनके पिताजी पंजाबी हैं। उनकी माता का नाम शिवांगी कपूर है और उनके पिता का नाम शक्ति कपूर है, और जैसा कि सभी जानते हैं वो एक फिल्म अभिनेता है। श्रद्धा के बड़े भाई का नाम सिद्धांत कपूर है, वो भी फिल्मों में काम करते हैं। इसके अलावा उनकी दो आंधी भी हैं जो कि फिल्मों में अभिनय करती हैं, जिनमें से एक का नाम है पद्मिनी कोल्हापुरी और दूसरी का नाम है तेजस्विनी कोल्हापुरी। श्रद्धा अपने पिता के साथ बहुत सी शूटिंग लोकेशन पर गई हुई हैं। वह अभिनय करते हुए उन्हें देखकर सीखने की कोशिश करती थी। बचपन में जब वो डेविड धवन की फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर अपने पिता के साथ गई थी, उसी समय उनकी दोस्ती वरुण धवन से हुई थी। वे दोनों वहां एक साथ में खेलते थे, फिल्मों के संवाद को बोलते थे, साथ ही गोविंदा के गाने पर डांस भी करते थे। श्रद्धा कपूर के करियर की शुरुआत दीपक नामक फिल्म से हुई थी, जो कि एक किरदार जो कि कॉलेज में श्रद्धा कपूर के करियर की शुरुआत 2010 में तीन पत्ती नामक फिल्म से एक किरदार जो कि कॉलेज जाने वाली एक लड़की का था उससे हुई थी। इस फिल्म का ऑफर उनको निर्माता अंबिका हिंदुजा ने फेसबुक पर देखकर किया था। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर माधवन जैसे अभिनेता ने भी काम किया था। इस फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के द्वारा किए गए अभिनय की तारीफ। इस फिल्म के लिए Rediff.com को बहुत से आलोचकों ने स्वयं द्वारा लिखे लेख प्रस्तुत किए, जिसमें एक ने लिखा था कि श्रद्धा कपूर में फिल्मों में काम करने के लिए अद्भुत क्षमता है। इस बात का परिचय उन्होंने अपने इस फिल्म में किए अभिनय से दे दिया। तो किसी आलोचक ने लिखा कि श्रद्धा कपूर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिलचस्प शुरुआत की है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा कपूर की अच्छी शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित हुई। 2011 में उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था लव का दी एंड, जिसमें उन्होंने ताहा शाह के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में श्रद्धा ने एक कॉलेज की नव युवती के किरदार को निभाया था। इस फिल्म के लिए समीक्षकों की मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई थी।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फिल्म के लिए एक आलोचक ने लिखा था कि इस फिल्म में जब श्रद्धा को अपने प्रेमी के इरादे का पता चलता है तो वे उसके दिए हुए धोखे से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन जब बाद में वे एक हिस्से के ऊपर मजबूती से आता है तब उस वक्त आप उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। इस फिल्म के बारे में बताते हुए एक और आलोचक ने लिखा है कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई दिखती हैं और साथ ही दूसरी फिल्म में किए गए अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रही हैं। इस फिल्म में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। फिर उनको इस फिल्म में किए प्रदर्शन के आधार पर फिल्म औरंगजेब में मुख्य भूमिका को निभाने के लिए प्रस्ताव मिला, जो कि यशराज प्रोडक्शन की थी, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस कंपनी के साथ रद्द कर दिया और उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म के लिए साइन किया जिसका नाम था आशिकी 2। मोहित सूरी ने 2011 में एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था आशिकी 2। यह एक रोमांटिक ड्रामा पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम आरोही केशव शिर्के था, जो कि एक छोटे से बार में गाना गाती है, जो कि बाद में एक मशहूर पुरुष गायक की मदद से सफल गायिका बन जाती है। इस फिल्म में उनके हीरो आदित्य रॉय कपूर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.09 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया। इस फिल्म के लिए एक आलोचक ने कहा था कि इस फिल्म से श्रद्धा की जीत हुई है। इसके अलावा इंडिया टुडे के नायक चक्रवर्ती ने कहा था कि वे इस फिल्म में बहुत ही सुंदर दिखी हैं। इस फिल्म के लिए श्रद्धा ने कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब के लिए नामांकन को प्राप्त किया था और जीता भी था। इसी वर्ष यानी सन 2013 में ही उनकी एक रोमांटिक फिल्म आई जिसका नाम था कोरी तेरे प्यार में। इस फिल्म में हीरो इमरान खान थे, जिसके मंगेतर की भूमिका को श्रद्धा कपूर ने किया था। ।2016 में द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे पर क्रश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं बताया। श्रद्धा कपूर के बारे में उनके पिता ने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती थी। श्रद्धा कभी भी स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन पार्टियों के दौरान ड्रिंक कभी कभी कर लेती है। वो एक प्रमाणित स्कूबा ड्राइवर है। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है और चाय पीने की भी शौकीन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस में आप तक पहुंचाता रहूं। अभी तक अगर आपने ग्लैमर ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही कर लीजिए। देखते रहिए ग्लैमर ब्यूटी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।